मामास किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी सा एग रोल। बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए करते हैं इसकी तैयारी। इसके लिए सबसे पहले हम मैदे का आटा लगाएंगे और इसमें मैंने एक बाउल मैदा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और साथ में 2 चम्मच के करीब रिफाइंड डाल दूंगी ताकि हमारा पराठा सॉफ्ट बने। जैसे आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ये मैदा भी लगा लीजिएगा। देखिए आटा हमारा अच्छे से लग गया है और थोड़ा सा हम इसे इस तरह से चिकना कर लेंगे। हमें एकदम स्मूथ आटा चाहिए इसके लिए। अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर 15 से 20 मिनट रेस्ट पर छोड़ दूंगी। और आइए अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए मुझे ये कुछ वेजेस चाहिए थी, कैरेट, कैबेज, और ये मेरे पास रेड और ग्रीन कलर की कैप्सिकम है, गार्लिक है और साथ में ये स्लाइस अनियन है। तो चलिए अब हम लोग वेजेस को फ्राई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को गैस पर रखा है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं करीब 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डालूंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें और ऑयल को थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले हम गार्लिक डालेंगे। तेज आंच पे ही हम सौते करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अब इसके बाद मैं इसमें ये अनियन डाल दूंगी और ये सारी वेजेस जो हैं हमें तेज आंच में ही सौते करना है। अनियन को भी हमें पिंकिश तक जो है पका लेना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो जाइए थोड़ा सा तब तक ही हमें करना है। अब मैं इसमें ये कैरेट डालूंगी। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, मेरे पास जो कि मैं वो डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ये कैबेज और शिमला मिर्च डाल दूंगी और इसे भी पका लेंगे हम। जब तक ये हमारी सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तब तक इसके लिए मैं सॉस तैयार कर लेती हूँ जो कि इसमें डालना है हमें। सबसे पहले मैं 1/2 टीस्पून के करीब ये लूँगी सोया सॉस। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून के करीब ये विनेगर वाइट वाला, टमाटो केचप, मेरे पास ये ग्रीन चिली सॉस है, अगर आपके पास रेड ग्रीन चिली सॉस है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब ये सब मैं इसमें डालूंगी। देखिए ये हमारी अच्छे से सोते हो गई हैं वेजेस। इसमें मैं थोड़ा सा ये काली मिर्च डाल दूंगी। और थोड़ी सी ये रेड चिली फ्लेक्स है मेरे पास, ग्रीन चिली पाउडर और अब ये सारी सॉस मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसे भी इनके साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए ये फिलिंग हमारी बनके रेडी है, तो 1-2 सेकंड के लिए और पका लेते हैं। बस हमें इतना ही पकाना था। ये मिक्स हो गया है इसमें सारी सॉसेज और मसाले। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक हम अंडे का घोल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं
और इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, ये ग्रीन चिली पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और ये काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा नमक। नमक हमने स्टफिंग में भी मिलाया है और आटे को गूंथते समय भी, तो इसमें थोड़ा सा ही डलेगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें धनिया डालूंगी और एक गार्लिक को मैं ग्रेट करके इसमें डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा हमारा अच्छे से फेर लिया हमने। अब हम ये अपना आटा देख लेते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से चिकना कर लेते हैं। और इतने आटे में मैं 3 रोल बनाऊंगी, तो इसे हम इक्वली पार्ट में काट लेंगे। इन दोनों पार्ट्स को मैं अभी ये ढक के रख दूंगी ताकि सूखे नहीं। और इसे हम अच्छे से एक गोलाकार में बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम मैदा जो है डालेंगे और अब हम इसे बहुत ही बड़ी रोटी के रूप में बेल लेंगे। रोटी हमारी अच्छे से बिल गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड लगा देंगे। रिफाइंड आप चारों तरफ अच्छे से लगा दीजिएगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे इसमें। और अब हम इसे धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा फोल्ड हो चुका है और अब हम इसे फ्लैट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मैदा जो है यहाँ पर भी हम डस्ट कर देंगे। और अब इसको इस तरह से फीसते हुए हम इसका रोल बनाएंगे। और जो ये एंड पॉइंट होता है इसको इस तरह से हम इसके अंदर सेट कर देंगे ताकि ये हमारा गोल सा पेड़ा बन सके। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब आइए अब हम इनकी चपाती या पराठा बेलेंगे एक एक करके। और तब तक मैं गैस पर एक तवा चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए। और अभी से मैदे के साथ डस्ट करके इसे बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो इसकी जो लेयर्स हैं वो हमें नज़र नहीं आएंगी, लच्छा पराठा नहीं बन पाएगा ये। तो मैं इसे बेल के दिखाती हूँ आपको। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया, हम इसे धीमी आँच में कर देंगे। और ये जो हमने लच्छा पराठा बनाया है इसे इसमें डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से सेकने देंगे यहाँ से एक तरफ से धीमी आंच पे। जब तक ये हमारा पराठा सिकता हम दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पराठा हमारा एक तरफ से सिक गया है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी सिक गया है, अभी हम इसे टर्न कर देंगे। और इस स्टेज पे आके हम इसमें ये
अंडे का जो बैटर हमने तैयार किया था वो एक ब्रश की हेल्प से लगा देंगे चारों तरफ, और अच्छे से लगाएंगे, बहुत अच्छे से कोटिंग करेंगे, और कोई भी जगह ऐसे खाली नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ऐसे 2 से 3 बार कोटिंग कर देंगे ताकि इसकी एक लेयर सी बन जाए इस पराठे के ऊपर। अभी हम इसे सिकने देंगे। देखिए ये हमारा नीचे से पराठा सिक गया और अंडा भी ऊपर से पक रहा है, तो इसे हम पलट देंगे और यहाँ पर हम इसमें रिफाइंड लगा देंगे। और इसे हम इस तरह से प्रेस करके अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये हमारा पराठा सिक गया है। हम दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। मैं आपको एक दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा पराठा बहुत अच्छे से सिक गया है। अब मैंने एक ये सॉस तैयार की थी जिसमें मैंने मेयोनीज और टोमेटो केचप मिक्स कर दिए हैं, और मैं इसमें ये लगा दूंगी हल्का हल्का सा। इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। और अब मैं इसमें ये स्टफिंग ऐड कर दूंगी। मैं ये सेंटर में रख रही हूँ। और अब मैं ये पराठे को इस तरफ से ऐसे इसे फोल्ड कर दूंगी। और अब मैं इसे प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये तैयार है हमारा झटपट से बनने वाला एग रोल, और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।